साथियों, हमने ऐसी कई सारी प्रेस वार्ताएं की हैं जिसपे दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर दिल्ली नगर निगम की ही ऑडिट रिपोर्ट्स उजागर की हैं, और अक्सर हमने भाजपा के चुने हुए पार्षदों के ऊपर, मेयर्स के ऊपर, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्षों के ऊपर जो आरोप आ रहे हैं उनको भी हमने उजागर किया। हमने ये भी बताया कि कैसे भाजपा के एक पार्षद रंगे हाथों 10 लाख रुपए बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक घर बनाने वाले व्यक्ति से लेते हुए सीबीआई द्वारा पकड़े गए। आज एक नई तरीके की कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। भाजपा की चुनी हुई एक दलित पार्षद खुद अपने लेटर हेड पे लिखकर दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं, और उन्होंने ये कंप्लेंट माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल जी को की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को की है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला जी को की है, सचिव महोदय को की है। ये वो कंप्लेंट है। इसके अंदर भाजपा की नांगलोई से चुनी हुई महिला पार्षद ज्योति रछैया वार्ड नंबर 37 नांगलोई उत्तरी दिल्ली नगर निगम 8 मार्च 2021 को स्वयं पत्र लिखकर पूरा ब्यौरा दे रही हैं। और सिर्फ विषय में आपके आगे पढ़ के बताऊंगा, विषय उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री जय प्रकाश, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री छैल बिहारी गोस्वामी, निगम के नेता सदन श्री योगेश कुमार वर्मा, ध्यान रहे तीनों भाजपा के हैं, आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती व निगम के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भूमि माफियाओं के साथ मिलकर दलित वार्ड के विकास कार्यों को रोकने और प्रार्थी परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने एवं अवैध कार्यों को कराकर हमें अपमानित व प्रताड़ित करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के खिलाफ शिकायत। ये शिकायत जो है भाजपा की सिटिंग काउंसलर, अपने ही मेयर, अपने ही स्टैंडिंग काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, अपने ही निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती के खिलाफ कर रही हैं। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड में दर्जनों अवैध निर्माणों के बारे में सूचीबद्ध जानकारी दी और उनसे, निगम से पत्र लिख के जानकारी मांगी कि आपने इनके ऊपर क्या किया, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। उनके यहाँ और अवैध कार्य हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने जानकारी मांगी, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि एनक्रोचमेंट को हटा के जहाँ पे नाले और सड़क बनानी है सरकारी संपत्ति के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर, उस काम को भी ये चार पांच नेता जो हैं भाजपा के, भूमि माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने सारे के सारे काम रोक रखे हैं। यहां तक कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है, जैसा कि मैंने अप्रैल 2017 में भाजपा की टिकट पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अकेली दलित महिला चुनाव जीतकर पार्षद बनी, उसके पश्चात आज तक निर्माण समिति, निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न कार्य विचाराधीन हैं, जो मैंने उपरोक्त अनुसार कार्यालयों में क्षेत्रीय सांसद जी ने भी लगभग 30-40 पत्र शिकायतों का निपटारा करने के लिए प्रार्थना दाखिल की, जो इस प्रकार है। और इसके अंदर उन्होंने करीब 3 दर्जन शिकायतें दी हैं जिसके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये जो है लेटर है, ये हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जो हमारे मित्र जो हैं हार्ड कॉपी देखना चाहें तो वो हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।